सुदिवस पिला माने मोहर प्रिय गुरुमा भूगोल रोटे क्लास करिबा इटा होची कालांश 14 आमे वायुमंडल विषय रे पढचे पण तसे अध्याय ती द्वितीय अध्याय वायुमंडल हम चलीची तरा किछि जानिबार अछि पढिबार अछि आमे आजि आमे पूर्व क्लास रे पढथिलु वायु प्रवाह आमे पढथिलु चारि प्रकार वायु प्रवाह जानियत होय सामयिक वायु स्थानीय वायु आकस्मिक वायु आज हमें वायु आर्द्रता विषय में पढ़ेंगे। वायु की आर्द्रता वायु में आर्द्रता माने तो ह्यूमिडिटी हमें जो कहते हैं वर्तमान जो चल चीज जो टाइप का माने वायु में कितने परिमाण है जल वाष्प अच्छी ये को नहीं चिंता है जो वायु का आर्द्रता तारा कितने परिमाण माने तारा जल वाष्पर परिमाण तार उपस्थित को ही वायु आर्द्रता कह जाए बाष्पीभूत जलकणा गुड़िक जल वाष्प कह जाए जल गैसीय अवस्था परिवर्तित होवा प्रक्रिया को बाष्पीभवन प्रक्रिया कह जाए जल जैसे गैसीय अवस्था को आसे गैसीय अवस्था को परिवर्तन हुए से प्रक्रिया को बाष्पीभवन प्रक्रिया कह जाए वृक्षलता जो जो दल बाष्पीभूत हुई वायुमंडल मिसे बाष्पीमोचन प्रक्रिया कह जाए मैंने जल जिते बाष्पर परिणत हुए तार गैसीय अवस्था को परिवर्तित हुए से बाष्पीभवन प्रक्रिया कह जाए तो जो नालपत्र जो सूर्य वायुमंडल टाणी निए से बाष्पीमोचन प्रक्रिया कह जाए वायुमंडल ये बाष्पीभूत जलकणा जल बाष्प दृष्टिपात्र कार्य जो गुड़ टाणी नहीं थाए से गुड़िक वर्षा द्वारा पुणी फेरी आसे उच्च अक्षांश सूर्यताप कम थी से बाष्पीभवन हार कमी थे आम्न अक्षांश बाष्पीभवन प्रक्रिया हार अधिक होता है तापम्रा अनुजाई वायु क्षमता परिमाण जल बाष्प थे वायु में क्षमता परिमाण जल बाष्प थे परिपूर्त वायु बोली कहुए परिपूर्त वायु कहते वायु जो क्षमता परिमाण जी आवश्यकता से अनुसार जो जल बाष्प थी परिपूर्त वायु जो कम थी अपरिपूर्त वायु कहुए बाष्पीभवन प्रक्रिया जलर सुलभता और पवन रेग वायु शुष्कता और सूर्यतापर परिमाण निर्भर करता है कौन बाष्पीभवन जो प्रक्रिया जो सिस्टम कत परिमाण जल पवन रोभर बेग अच्छी तार वायु के मान वायु शुष्कता ह्यूमिडिटी के सूर्यतापर परिमाण निर्भर करें हाइग्रोमीटर जंत्र द्वारा द्वारा वायर आर्द्रता को मापी था मापिवा जंत्र हाइग्रोमीटर घनीभवन प्रक्रिया जलीय बाष्प गैसीय अवस्था तरल तरल पुणी कठिन अवस्था को फेरी जाए शिशिरांक तापमात्रा ठार घनीभवन प्रक्रिया आरंभ हुए फल कुड़ी मेघ आदि सृष्टि जो तापम्रे जल बाष्प क्षुद्र जलकणा परिणत होता है शिशिरांक 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 क्या कह जो तापम्रे जल बाष्प क्षुद्र क्षुद्र जलकणा परिणत हुए शिशिरांक कह जाए हमें घनीभवन प्ररूप देखा घनीभूत हो क्षुद्र क्षुद्र जलकणा परिणत हुए
এগুলো কোন শীতল পদার্থ বা ঘাসপত্রে লাগি রইতে এখন কাকর কয় যায় লম্বা শীতরাতি নির্মল আকাশে এটা বেশি মানে যে স্থির বায়ু বায়ু যেতবে চলন চলন মতে বায়ু স্থির থাকে সেতবে এই কাকরটা পড়িবা পাই অনুকূল সময় হইতে মানে দেখিও শীত দিনে যেতলো টিকি ঘাসপত্রে চাললা বেলে নেই ওদা বেশি লাগে সেটা কাকর কয় শীত ভূপৃষ্ঠ কু লাগি বায়ুমণ্ডল থা হয়ে শিচিরা তল কু আসি আসলে বায়ুরে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হুয়ে এর ধূলিকণা কু আশ্রয় করে ভূপৃষ্ঠর অল্প উচ্চতার ভাসি বলে কুহুড়ি কুয়া যায় সে শীতদিন কুহুড়িটি হুয়ে শীতল ভূপৃষ্ঠ শীতল থাকে বায়ুমণ্ডল থা থাকে শিচিরা তল কু খসি আসলে বায়ুরে জলীয় বাষ্পটি ঘনীভূত হয়ে যায় যাকি যে সেই ধূলিকণা আশ্রয় করি অভিমান কুড়ি সৃষ্টি কুহুড়িটি বিকিরণ কুড়ি কুয়া যায় অভিবাহন কুড়ি হচ্ছে কোণ না শীতল উষ্ণ বায়ু যে জায়গায় মিশ্রণ হয়ে থাকে তাকে অভিবাহন কুড়ি কুয়া যায় যে জায়গায় শীতল বায়ু আর উষ্ণ বায়ুর একাঠি হয়েকি না যে কুড়িটি হয়ে থাকে সেইটাকে অভিবাহন কুড়ি কুয়া যায় মিষ্ট হচ্ছে কোণ না অতি পতলা যে কুড়িটা অল্প মানে পতলা ভাবে যেটা পড়ে থাকে সেটাকে মিষ্ট কুয়া যায় এই যে অভিবাহন কুড়িটি কুড়ি দেখা যায় বেশি না উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর অন্তর্গত নিউ ফাউন্ডল্যান্ড জায়গা গোটে অভিবহন কুড়ি কিরণ কুড়ি অভিবহন কুড়ি আর অভিবহন কুড়িটি দেখা যাচ্ছে নিউ ফাউন্ডল্যান্ড উপকূল এবং প্রশান্ত মহাসাগর জাপান উপকূলে এই শীতল উষ্ণ বায়ুর মিলন ঘটিতে যেটিকি অভিবহন কুড়ি সৃষ্টি হইতে কোটি সে জায়গাটা নিউ ফাউন্ডল্যান্ড ভাসমান মেঘ কুয়া যায় আকার অনুসারে মেঘ দুই প্রকার স্তরীভূত মেঘ স্তরীভূত মেঘ পুঞ্জীভূত মেঘ মেঘ দুই প্রকার পরিভূত আর পুঞ্জীভূত স্তরীভূত মেঘ কোন না আমি দেখছো আকাশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে স্তর স্তর হয়ে যে মেঘটি ভাসুথায় তাকে তরীভূত মেঘ কুয়া যায় এগুলো কোন পতলা আলাদে জলকণা কম থাকে তরীভূত মেঘ মানে কোন সে স্তর স্তর হয়ে আকাশে আমাকে দেখা যায় যেটা কি পতলা থাকে তাদের জলকণা কম থাকে তাকে স্তরীভূত কুয়া যায় পুঞ্জীভূত হচ্ছে
पुंजीभूत मेघ कहते जलमा बेसी जाए जलमा कम थाए जलमा बेसी थाए घड़ घड़ी सहित
जो वर्ष परिचालन पृष्ठभेद परिचालन प्रक्रिया उत्तप्त वायु ऊपर उठी जाए कम थंडा हुए थोड़ा जल बाष्प घनीभूत हुई विजुली घड़ घड़ी सह जो वर्षा टी को परिचालन पृष्ठभेद कहुए विशेषकर निरक्ष अंचल प्रतिदिन अपराह्नि जिला देखा जाए से वृष्टिपात वृष्टिपात कौन ना जोटा कि पर्वत भूमि जो जलवाष्प पूर्णमय बाधा पाई उपरक उठी जाए से प्रसारित थंडा होते जो जलवाष्प थाए घनीभूत होर्वत से पार्श्व प्रबल वृष्टि करें जोटा कि अपर पार्श्व पर्वत जो पार्श्व वायुटी बाधा पाए प्रतिपात पार्श्व यार विपरीत पार्श्व को अपर पार्श्व को अनुपात पार्श्व कहुए शरतप वृष्टिपात कौन ना उच्च पर्वत भूमि जलवाष्प पूर्ण वायु बाधा पाई उपरक उठे से प्रसारित हो ठंडा हो फल जलवाष्पटी घनीभूत हो पर्वत पुणी गोटे पार्श्व प्रबल वृष्टि करते प्रतिपात वर्ष कह जाए तार अपर पार्श्व को अनुपात वर्ष कह जाए वृष्टिपात जो परिचालन शरतप आत वृष्टिपात जो कौटी देखा जाए क्रांति मंडल अंचल समुद्र उपर लघुचाप केन्द्र सृष्टि हुए फल लघुचाप केन्द्र को प्रवाहित वायु घूरी उपर को उठी जाए धीरे धीरे लड़ाई घनीभूत होबल वर्षा करतावर्त वृष्टिपात कहुए तुषारपात वृष्टिपात बरफ खंड पड़े से कुआपथर उत्तप्त बायुस्रोतर ऊर्ध गति जो मेघ हुए अति उपरक उठीगले तृतीय दलकणा और तुषार कणा गुड़िक जमाट बांधिकी छोट छोट बरफ खंड प्रणीत हो वृष्टिपात हुए से वृष्टिटा कुआपथर वृष्टि कहुए भूपृष्ठ आसिक पड़े यह धनजीवन हानि कारण होता है बस कौटी हुए ना कांतिमंडल अंचल खरा दिन अपराह प्राय यही कुआपथर वृष्टि होता है कुआपथर वृष्टि द्वारा बहुत मनुष्य क्षति होता है धनजीवन नष्ट वायुमंडल विषय जान लार आम कौन सर्वशेष जाने वायुमंडल प्रकृत में गोटे अतुलन दान निबोधगत आम चेष्टा करवा सब प्रदूषण मुक्त रखा भल भाव